हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. नए साल की शुरुआत में हम अपना पेपर इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन, जो कि अपनी यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. सेल्स प्रमोशन के बारे में हमने प्रोडक्ट मिक्स में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा डीपली या डिटेल में पढ़ते हैं. हमने सेल्स प्रमोशन के बारे में अभी तक ये पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेचने के लिए जितने भी प्रयास करती है वो सारे सेल्स प्रमोशन में माने जाते हैं. हमने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब डिस्काउंट मिलता है या कुछ प्रीमियम या एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री आता है, कोई इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कहीं प्रदर्शनी लगती है, तो इस तरह की जो भी क्रियाएं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करता है ताकि लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ये सारी जो विक्रय विज्ञापन वो करता है वो उसके सेल्स प्रमोशन में आते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है. सेल्स प्रमोशन अ सेट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन टू बूस्ट सेल्स. विक्रय को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो सारी सेल्स प्रमोशन में आती हैं. प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग अ पोटेंशियल कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने उपभोक्ताओं को वस्तु की खरीद के लिए आकर्षित करें और सारे वो प्रयास करें जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाए या ज़्यादा से ज़्यादा बिके. सेल्स प्रमोशंस टूल्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग. अब वो इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ करती है कि वो प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट को, अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूशर्स को, अपने रिटेलर्स को, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, टारगेट टूवर्ड्स फाइनल बायर्स. अब अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में वो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखती है कि उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जो उत्पाद को बनाने वाले हैं, जो उस उत्पाद को डिस्ट्रीब्यूट बांटने वाले हैं और उनको जो खरीदने वाले हैं, उन सभी का इससे क्या होता है, एक रैपिड ग्रोथ होता है. जितना ज़्यादा उत्पाद बिकेगा तो उसका फ़ायदा सीधे ना केवल उस उत्पाद के ओनर को होता है बल्कि बनाने वाले को उसका लाभ बढ़ता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ता है, रिटेलर्स को बढ़ता है, क्योंकि होलसेलर जो इंडस्ट्री में तैयार होता है वो होलसेलर से रिटेलर तक पहुँचता है, तो जो होलसेलर से रिटेलर तक जाता है, फिर रिटेलर से कस्टमर्स तक जाता है, तो सभी को इससे सीधा फ़ायदा मिलता है. अब हम वो टूल्स कौन कौन से होते हैं सेल्स प्रमोशंस के, वो आप देखिए, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. देखिए, फ्री सैंपल्स, हमने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे फ्री सैंपल्स के बारे में. पहले टाइम में क्या होता था, न्यूज़पेपर में की कटिंग में एक कुछ छोटा सा पाउच, चाहे वो शैम्पू का हो, चाहे किसी डिटर्जेंट पाउडर का हो या किसी ऑयल का हो, न्यूज़पेपर के साथ कटिंग में एक चिपका हुआ भी आता था. कभी कभी ऐसा आता है कि किसी बुक के साथ वो आता है, हम अगर कोई मार्केट से बुक परचेज करते हैं तो बुक में उसका एडवर्टाइजमेंट होता है और उसके साथ उसका एक फ्री पाउच भी दिया हुआ होता है. तो फ्री सैंपल्स करना, कूपन्स बांटना, कूपन्स का भी बहुत ट्रेंड चलता है, कूपन से स्क्रैचिंग वाला कूपन से बहुत लोग एक्साइटेडली उस प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करने लग जाते हैं. उसमें एक्सचेंज ऑफर्स अगर होती हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट में एक्सचेंज ऑफर में, जैसे पुराना जो आपके पास किचन यूटेंसिल्स हैं, वो जैसे कुकर हो गया, तो इस तरह के, या फ्राइंग पैन हो गया, इनको आप रिटर्न कर दें और उसका कुछ आपको फ़ायदा देके वो आपको एक नया प्रोडक्ट दे देते हैं. तो रिटर्न, डिस्काउंट्स देके, प्रीमियम देके, पर्सनल प्रमोशन यानी कि पर्सनल सेलिंग, घर तक आकर अपने प्रोडक्ट को बेचने के प्रयास करना, इंस्टॉलमेंट में सेल्स करना. अब आप देखिए, गाड़ियाँ जो होती हैं, गाड़ियों की बात करें, अब तो मोबाइल फ़ोन भी किस्तों में मिलने लगा है. तो ये सारा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका है कि व्यक्ति का बस हाथ ना रुके, बस वो वस्तु खरीदता जाए. अब सेल्स प्रमोशन के फ़ायदे क्या होते हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं, वो सबसे पहला फ़ायदा हो जाता है कि उस उत्पाद का जो मूल्य होता है उसमें ज़्यादा बदलाव या उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं कम होती हैं. इफ़ेक्ट्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, प्रमोशन से उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदला जा सकता है. लूइंग अ न्यू कस्टमर्स विथ प्राइस, हम नए उपभोक्ता वर्ग की तरफ भी बढ़ने का एक अच्छा प्रयास सेल्स प्रमोशन में मान सकते हैं. अब सेल्स प्रमोशन का नुकसान क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग प्राइस सेंसिटिविटी. मतलब कि क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ जो कूपन्स वगैरह या उसके साथ जो डिस्काउंट या जो बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो इमेज होती है
वो थोड़ी सी डिसेबल हो जाती है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये एक अल्पकालीन प्रेरणा होती है जो कि एक निर्धारित निश्चित समय के लिए आती है। जैसे हम ऑफर्स की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमें दुकान पर 12 महीने कहीं ऑफर्स दिखता है। हम सीजन्स में या कभी फेस्टिवल सीजन में कभी हम मार्केट निकलेंगे, ज़्यादा भीड़ क्यों होती है उसी टाइम में, क्योंकि कंज्यूमर्स को भी पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब सेल सीजन सेल लगती है, तो उस दौरान ही हमें फ़ायदा मिलता है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ये अल्पकालीन के लिए होता है, इसको हर वक्त आप अपने प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे संस्था के लाभ बढ़ने की बजाय घट भी सकते हैं एक निश्चित समय के उपरांत।